हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑसम जीनोम पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल जॉनसन और GTA San Andreas गेम से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। और ये जो फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम पास्ट में हुए इंसिडेंट्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि गेम में कभी भी क्लियरली मेंशन नहीं किए गए थे, और उसके बाद हम बात करेंगे फैक्ट्स के बारे में। तो सीजे एके कार्ल जॉनसन का जन्म हुआ था 1968 लॉस सेंटोस में। सीजे के फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है सीजे की मदर जिसका नाम है बेवरली जॉनसन, सेकेंड है स्वीट जॉनसन जिसका रियल नेम सीन जॉनसन है और वो सीजे का ब्रदर है, थर्ड मेंबर है केंडल जॉनसन जो कि सीजे की सिस्टर है। इसके बाद जॉनसन फैमिली में दो और मेंबर्स भी रहते हैं, जिसमें से पहला है ब्रायन जॉनसन जो कि सीजे का ब्रदर था, लेकिन 1987 में ब्रायन की डेथ हो जाती है। गेम में उसकी डेथ का रीजन नहीं बताया गया है और ऐसा बताया जाता है कि ब्रायन को राइवल गैंग ने मार दिया था, और उस समय जब ब्रायन की डेथ हुई तो सीजे वहाँ पे हेल्प करने नहीं आया था। ब्रायन जॉनसन के पास सीजे का एक फादर भी है, जिसके बारे में गेम में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया है, लेकिन गेम में दो ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जिसमें सीजे के फादर के बारे में बात की गई है। जब हम ग्रोव स्ट्रीट के पास वाले बार्बर शॉप में हेयर कट लेने जाते हैं, तो कई बार वहाँ का बार्बर ऐसा बोला करता था सीजे के डैड भी सीजे के ही तरह हेयर कट रखा करते थे। इसके बाद एक मिशन में भी सीजे के डैड को मेंशन किया गया है। इसमें सीजे फोन पे बात करते करते जोई लियोन से ये बोलता है कि वो अपने फादर से कभी नहीं मिला। इसके बाद अगर बात करें बेवरली जॉनसन की, जो कि सीजे की मदर है, तो 1992 में दो बालाज गैंग के मेंबर्स ड्राइव बाय शूटिंग करते हैं बेवरली के हाउस में, और ये असल में स्वीट को मारने आए हुए होते हैं, लेकिन स्वीट घर पे नहीं होता है, जिससे कि गोली उसकी मदर यानी कि बेवरली को लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो जब कार्ल को इस चीज के बारे में पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है, तो वो लिबर्टी सिटी से वापस सैन एंड्रियास आ जाता है, और यहीं से स्टार्ट होती है गेम की एक्चुअल स्टोरी। After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. तो अब बात कर लेते हैं GTA San Andreas के फैक्ट्स के बारे में। GTA San Andreas इतना ज्यादा सक्सेसफुल और पॉपुलर हो गया था, इस वजह से Rockstar Games ने GTA San Andreas को अपने बाकी किसी भी GTA सीरीज से सबसे ज्यादा पोर्ट किया है। GTA San Andreas को अब PlayStation 2, 3, 4 और Xbox 360, Xbox, PC, Apple Macintosh, iOS और Android पे भी खेल सकते हो। दोस्तों, आप लोगों ने अगर GTA 5 खेला है तो आपको पता होगा उसमें तीन प्रोटैगनिस्ट हैं, जो कि है ट्रेवर, माइकल और फ्रैंकलिन, और इन तीनों ही कैरेक्टर से हम गेम को कंप्लीट करते हैं। हम चाहे तो कभी भी एक से दूसरे कैरेक्टर पे स्विच कर सकते हैं। अब हो सकता है आपको भी मेरी तरह ऐसा लगता हो कि ये फीचर बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। GTA San Andreas जब डेवलप हो रहा था तो उसमें डेवलपर्स ने प्लान किया था कि इसमें मल्टीपल प्रोटैगनिस्ट होंगे, लेकिन बाद में टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से इस फीचर को नहीं डाला गया गेम में। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फैक्ट है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और जब मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब मैंने इसका प्रूफ देखा तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया था। तो सीजे ओजी लॉग से एक कन्वर्सेशन में ये बोलता है कि वो पहले एक रैपर हुआ करता था। अब दोस्तों मैं भी जानता हूँ कि आपको भी मेरी तरह इस चीज पे भरोसा नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी जो मैं आपको रैप दिखाने वाला हूँ, इसे सीजे नहीं गाया है। इस रैप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इसे चेक कर सकते हो। Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Four deep in a green rag with gold feet. Last with the flag on a strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super cut, a big and buff, nice and straight. You got stats, respect, weapon, skill. Stamina, muscle, fat and sex appeal.
GTA San Andreas जिस गेम इंजन में डेवलप हुआ था उसका नाम था रेंडरवेयर। सैन फियरो सिटी में जहाँ पे सीजार का गैराज होता है उसके पीछे आप लोगों ने बहुत सारी टूटी बिल्डिंग्स को देखा होगा, तो वो सारी बिल्डिंग्स डैमेज इसलिए हुई हैं क्योंकि कुछ समय पहले सैन फियरो सिटी में अर्थक्वेक आया था। और अगर आप लोग कार के रेडियो को ऑन करोगे तो वहाँ पे न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट भी चलती रहती है जिसमें वो लोग सैन फियरो के अर्थक्वेक के बारे में बात करते रहते हैं। GTA San Andreas की थर्ड सिटी जो कि है लॉस वेंचुरास, वहाँ पे आप लोगों ने एक मिलिट्री बेस तो जरूर देखा होगा जहाँ पे हम लोग बाद में जाके जेटपैक चुराते हैं। तो गेम में उस बेस का नाम था एरिया 69 और ये एक रियल लाइफ कंट्रोवर्शियल लोकेशन पे बेस्ड है जिसका नाम है एरिया 51। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग एरिया 51 के बारे में नहीं जानते हो क्योंकि इस समय एरिया 51 के मीम्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और जो लोग इसके बारे में नहीं भी जानते थे वो इस मीम के बाद इसके बारे में जानने लगे हैं। San Andreas GTA सीरीज का पहला गेम है जिसमें आप बॉडी बिल्ड कर सकते हो, स्किनी हो सकते हो या फिर फैट लेवल बढ़ा के मोटे हो सकते हो। GTA San Andreas के बाद ये फीचर और किसी गेम में नहीं डाला गया। दोस्तों GTA San Andreas मैंने PC वर्जन वाला खेला था, तो PC वर्जन के लॉस सेंटोस वाले जिम में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप लोग देखोगे जो भी बार्स या फिर डंबल्स होते हैं वो सारे वेट्स आपको गोल्डन कलर के देखेंगे। लेकिन अगर आपने GTA San Andreas को अपने एंड्रॉइड फोन पे या फिर iOS पे खेला है तो वेट्स के टेक्सचर आपको गोल्डन नहीं ब्लैक दिखेंगे। अब देखने में तो ये नॉर्मल लगता है लेकिन असल में ये डेवलपर्स की गलती थी। उन लोगों ने दो अलग अलग टेक्सचर को आपस में रिप्लेस कर दिया जिनके नाम काफी मिलते जुलते थे। शॉन डार्नेल फॉन्टेनो ये CJ के वॉइस एक्टर हैं, ये अमेरिकन एक्टर भी रह चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक रैपर भी हैं। लेकिन अब आती है सबसे मेन बात, तो शॉन यंग मेले के कजन भी हैं। अब यार आप बोलोगे कि ये यंग मेले कौन है, तो यंग मेले भी एक अमेरिकन रैपर हैं और इन्होंने अपनी वॉइस दी है फ्रैंकलिन क्लिंटन को जो कि GTA 5 का प्रोटैगनिस्ट है और मेरा फेवरेट भी है। तो इसका मतलब ये हुआ CJ और फ्रैंकलिन रियल लाइफ में कजन्स हैं। San Andreas के लास्ट मिशन में जिसमें हम स्मोक को मारने जाते हैं तो स्मोक के बिल्डिंग के बाहर एक मैट रखा हुआ होता है जिसपे रॉकस्टार का सिंबल बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है नॉट वेलकम। सैन फियरो में एक बहुत बड़ी ब्रिज है जो कि अगेन आप लोगों ने जरूर देखा होगा, तो अगर आप लोग उस ब्रिज के ऊपर क्लाइम करते हो तो वहाँ पे एक मैसेज होता है जिसपे लिखा हुआ होता है नो ईस्टर एग्स हियर। लेकिन यार मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपने टाइम में इस प्लेस को रेंडमली डिस्कवर किया था और यहाँ पे मुझे पहली बार गेम में मिनी गन देखने को मिली थी। तो अब चलते हैं हमारे लास्ट फैक्ट की तरफ। आपको GTA San Andreas फुली कम्प्लीट करने के लिए मिनिमम 50-70 आवर्स देने पड़ेंगे तभी जाके आप इस गेम को फुली कम्प्लीट कर पाओगे। तो हाँ यार ये थे GTA San Andreas के मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ GTA San Andreas के फैक्ट्स से रिलेटेड ये वीडियो पहली थी और मेरा प्लान है कि मैं इस सीरीज को आगे भी जरूर कंटिन्यू करूंगा। और यार अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मैंने ये वीडियो अपलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, तो इसका भी रीजन आपको चैनल के कम्युनिटी टैब में देखने को मिल जाएगा।